अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ अपने बच्चों की फरमाइश पे झटपट तैयार हो जाने वाला चिकन फहीता पिज्जा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब चिकन फहीता के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मैंने लिया है 1 pound बोनलेस चिकन, इसको मैंने बहुत ही फाइन स्ट्रिप्स में कट कर लिया है 1 inch की। इसके अलावा मेरे पास है स्प्रिंग अनियन जिसका मैंने 1 strand लिया है और इसको मैंने डायगनली कट किया है। 1/4 cup ऑफ सिलेंट्रो, इसको गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। 1/2 lemon, 2 tablespoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 5 to 6 गार्लिक क्लोव्स जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, 1 teaspoon सॉल्ट, 1/2 teaspoon क्रश्ड रेड फ्लेक्स, 1/2 teaspoon पेपरिका, 1/4 teaspoon क्यूमिन पाउडर। इसके अलावा मैंने लिए है थोड़ी सी शिमला मिर्च जिसको मैंने ऐसे स्लाइसेस में कट कर लिया है, और रेड अनियन जिसको मैंने इस तरह फाइन स्लाइसेस में कट कर लिया है। मेरे पास है 2 jalapenos, इनको भी मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है। मैंने 3 tablespoon ऑयल लिया था और उसके अंदर मैंने डाला है गार्लिक, और अब मैं इसको कर रही हूँ सौते। तो साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अब इसमें चला जाएगा चिकन जिसको मैंने फाइन स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट, क्रश्ड रेड चिली, पेपरिका और क्यूमिन पाउडर। दो तीन मिनट तक इसको हम मीडियम हीट पर पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे हेलेपिनोस, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं तो आप अपने हिसाब से डालें। मैंने 2 jalapenos लिए क्योंकि हम थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे। फाइनली स्लाइस्ड रेड अनियन और ग्रीन बेल पेपर। बेल पेपर और अनियंस गार्निशिंग में भी यूज़ हो रहा है, उसका और फ्लेवर आता है, और फहीता में डालने से और फ्लेवर आता है। बस हम वेजिटेबल्स को 1 से 2 मिनट ही सौते करेंगे। अब हम इसमें लेमन निचोड़ेंगे। फाइनली हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया और स्प्रिंग अनियन जिससे इसको गार्निश कर लेंगे। हम करेंगे इसे थोड़ा सा टॉस। एक्सीलेंट, हमारा चिकन फहीता बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको आग से उतार देंगे और ठंडा करेंगे ताकि हम इसको पिज्जे के ऊपर लगा सकें। क्योंकि हम बना रहे हैं झटपट पिज्जा तो मैं जल्दी से लेकर आई हूँ मार्केट से फ्रोजन पिज्जाज। एक है थिन क्रस्ट 4 cheese पिज्जा और दूसरा है राइजिंग क्रस्ट चीज पिज्जा। इसके साथ गार्निशिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ 3 ingredients। पहली है चॉप्ड मल्टी कलर बेल पेपर, दूसरी है फाइनली चॉप्ड अनियन, और तीसरी मेरे फेवरेट ग्रीन ऑलिव्स। आप ब्लैक ऑलिव्स भी यूज कर सकते हैं। मैंने 2 baking dish ली हैं, उनको एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया है, और मैंने अपने फ्रोजन पिज्जाज को इनमें निकाल लिया है। इनको मैं डिफ्रॉस्ट होने के लिए छोड़ दूंगी। आज मैंने बुलाया है अपने बेटे हमजा को जो मेरे साथ पिज़्ज़ा असेंबल करेगा। तो पहले हमने ले लिया है थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, और हम इसके ऊपर हमजा क्या लगाने लगे हैं, चिकन फहीता। वेरी गुड, और लो जल्दी जल्दी करो, भूख नहीं लगी? व्यूअर्स, वैसे तो पिज़्ज़ा की ओरिजिनल रेसिपी में 3 to 4 hours लगते हैं क्योंकि हमने डो को बनाना होता है,
गूंदना होता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। आपके बच्चों को झटपट भूख लगी हो और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हो कि हम बनाएं चिकन फहीता, तो आप इस तरह से स्टोर बॉट पिज़्ज़ा यूज़ करें। ये इजी हैक्स हैं, हमारी लाइफ को सिंपल बनाते हैं। हाँ, मैं एक बाइट ले सकता हूँ? बिल्कुल लें, ट्राई करें, बताएं। बहुत ज़बरदस्त बना है। थैंक यू। ये बाकी का हम दूसरे वाले पिज़्ज़ा पे लगाएंगे। अच्छा हमजा, अब आपने क्या करना है, अब थोड़ी सी बेल पेपर को ऐसे स्प्रिंकल करें इसके ऊपर। शाबाश, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। थोड़े से अनियंस लें इस तरह से और ऐसे स्प्रिंकल करें, बिल्कुल इस तरह। चलो करो, वेरी नाइस। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा इस साइड पे और लगाइए, बाउंड्रीज पे। चले हमजा, ऑलिव्स लगाइए। शाबाश, ऐसे ही स्पेसेस पे लगा दीजिए। हाँ, यहाँ भी लगाइए और ले लो। थैंक यू हमजा, आपने मेरी बहुत हेल्प की। अब आप हाथ से ऐसे सारी चीजों को पिज्जा के अंदर प्रेस कर दें, बिल्कुल इस तरह से। चिकन अच्छा लगता है, ज्यादा लगाइए। और अगर मटेरियल बच जाता है तो नेक्स्ट डे आप इससे सैंडविच बना सकते हैं, शवारमा भी बना सकते हैं, चिकन फहीता, टाकोस भी बना सकते हैं, वो तो बहुत ही ऑसम लगते हैं। तो चले, मैंने राइजिंग क्रस्ट चीज़ पिज़्ज़ा भी तैयार कर लिया है। इसके मटेरियल को भी अच्छी तरह प्रेस कर लीजिए। हमारे दोनों पिज़्ज़ा रेडी हो गए हैं। मैंने अपने ओवन को 410 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर प्री हीट कर लिया है और इन दोनों का कुकिंग टाइम डिफरेंट है। थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा जो है वो 15 टू 20 मिनट्स में रेडी हो जाता है और जो थिक क्रस्ट पिज़्ज़ा है, यानी कि ये सेल्फ राइजिंग पिज़्ज़ा, इसके अंदर 20 टू 25 मिनट्स लगते हैं। तो चले जी, ओवन गर्म है, बहुत एहतियात से पिज़्ज़ा अंदर लगा दीजिए। मैं दो रैक यूज करूंगी। 15 मिनट्स बाद अब थिन क्रस्ट पिज्जा को ऊपर वाले रैक में शिफ्ट कर दें और थिक क्रस्ट पिज्जा को नीचे वाले रैक में शिफ्ट कर दें। अब हम 5 मिनट्स के बाद थिन क्रस्ट पिज्जा को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि वो ऑलमोस्ट डन है। Awesome. मुझे उम्मीद है कि आपको चिकन फहीता पिज्जा का झटपट हैक बहुत पसंद आया होगा। आप बनाइए इसे अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए और मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट रेसिपीज फौरन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Take care. Allah Hafiz.